हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बच्चे आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय बात कर रहा हूँ क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 की। हम पहुँच चुके हैं लेक्चर नंबर 12 की तरफ और आज हम बात करने वाले हैं कि जो कंसंट्रेशन निकालने का तरीका होता है किसी भी सॉल्यूशन का, उसमें आज हम पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 डिस्कस किया था, जिसमें मैंने मास परसेंट के बारे में बात किया था और मोल फ्रैक्शन के बारे में बात किया था। आज का जो कंटेंट होगा हमारा वो होगा मोलैरिटी के बारे में और मोलैलिटी के बारे में। ये दो कंसेप्ट बहुत ही सिमिलर, ऐसे प्रोनाउंस करते समय बहुत ही ऐसा लगता है कि राइमिंग वर्ड जैसे हैं या फिर बहुत ही सिमिलर लगते हैं, लेकिन इन दोनों का मीनिंग जो है अलग अलग है। एक में हम वॉल्यूम से बात करते हैं जबकि दूसरे में हम मास से बात करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का कंटेंट। चलो, टाइटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो मैंने पिछले लेक्चर में लिखाया था वही कंटिन्यू हो रहा है मेरा। तो उस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हमने फर्स्ट मास परसेंट कंप्लीट किया था और मोल फ्रैक्शन मैंने कंप्लीट किया था। आज हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 3, दैट इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है? बहुत सिंपल सा पैटर्न होता है मोलैरिटी को देखने का, पहचानने का, या फिर उसके डेफिनेशन को बोलने का, बहुत ईजी है। मोलैरिटी जो होता है वो वॉल्यूम से रिलेट करता है। मतलब अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है जो कि 1 लीटर है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके पास जो सॉल्यूट है उसका कितना मोल है उसी को हम बोलते हैं मोलैरिटी। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन, जरा देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। नंबर 3, मोलैरिटी चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके पास कितना अमाउंट जो है इन टर्म्स ऑफ मोल सॉल्यूट का कितना है उसे हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये मोलैरिटी है। मोलैरिटी को हम दिखाते हैं कैपिटल एम से और इसका यूनिट भी हम कैपिटल एम से ही दिखाते हैं, तो बहुत इजी होता है। तो इसके फॉर्मूले को मैं किस तरह से लिखूंगा जरा वो देख लीजिए आप। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, मोलैरिटी दैट इज कैपिटल एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ऑफ कोर्स वो जो सॉल्यूशन रहेगा वो उसका यूनिट जो रहेगा बच्चे वो लीटर में होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये जो होता है मेरा मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया आपके लिए। मैं हट जाता हूं जल्दी से, इसे आप अपने नोट्स में एंट्री कर लीजिए। इस तरह से हमारा मोलैरिटी कंप्लीट हुआ और अब हम बात करेंगे मोलैरिटी के बेस पे न्यूमेरिकल्स। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा किस तरह से मोलैरिटी हम निकालते हैं और किस तरह से इसके बेस पे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। चलो, इतना टाइम बहुत है आपके लिए तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं और अब इसके हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। चलो देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स में क्या दिया हुआ है, कैसे इसके न्यूमेरिकल से हम डील करेंगे। बहुत इजी कंटेंट है, समझते चलेंगे तो इजी होगा। ये रहा न्यूमेरिकल, तो क्वेश्चन में लिख रहा हूं आपके सामने, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलैरिटी निकालना है इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम in enough water to form 250 ml of this solution. देख लो एक बार जरा क्वेश्चन में हट जाता हूं ताकि जो लोग पॉज करके अपने आप से ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए एक मौका मिल जाए अच्छे से सॉल्व करने का। चलो एक एक चीज को समझेंगे, बहुत इजी होगा, देख लीजिए इसे जल्दी से। चलो अब मैं शुरू करता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं।
तो पहला जो मेरा क्वेश्चन होगा आपके लिए वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें निकालने के लिए क्या पूछा है, हमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। कैलकुलेट द मोलैरिटी पूछा हुआ है, मतलब कि हमें कैपिटल एम पूछा है। तो पहले मैं कैपिटल एम दैट इज मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, तो वहाँ से मुझे पता चलेगा कि क्या मुझे मेरे पास है और क्या नहीं है। तो मोलैरिटी जो होता है, एम जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। जरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं एक बार। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH, मतलब ये NaOH कहीं ना कहीं क्या रहेगा, मेरा सॉल्यूट रहेगा, इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में ये NaOH जो है मेरा सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इज इन इनफ वाटर, मतलब पानी जो है मेरा सॉल्वेंट है और NaOH जो है मेरा सॉल्यूट है, और पानी और NaOH को मिलाने पे जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। तो वो क्लियर है। टू फॉर्म 250 ml सॉल्यूशन, यहां पे लिख के दिया है कि जो सॉल्यूशन होगा वो 250 ml है। तो ये जो लीटर है, यहाँ पे मुझे 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो पता चल गया सॉल्यूशन जो होगा मेरा वॉल्यूम हो 250 ml को ही मैं लीटर में कन्वर्ट करूंगा, वो बात क्लियर है। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं मिल रहा है, तो मेरा पहला काम क्या होगा, इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ढूंढना। तो ये फॉर्मूला मैं वैसे का वैसे रहने देता हूँ, चाहिए तो आप इसको फॉर्मूला नंबर 1 बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोलो चलेगा। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स के पीछे भागता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या तरीका था, याद करो जरा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका, मेरे ख्याल से पिक्चर एकदम क्लियर होना चाहिए। मास अपॉन मोलर मास। अब मास कितना दिया है जरा चेक करो, मास दिया है आपको 4 ग्राम। मोलर मास क्या होता है, तो एन ए ओ एच का मोलर मास निकाल लो, 23 + 16 + 1 ऐड कर दो, कितना आ रहा है चेक करो, ये हो गया 17 + 23 आ गया 40। कितना आ गया, 40 ग्राम पर मोल आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 40 ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कट गया, ये भी कट के 1/10 बन जाएगा, मतलब आंसर आ गया 0.1 मोल। पिक्चर एकदम क्लियर है सबको, देख लो जरा अच्छे से। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि n इक्वल टू 0.1 मोल मिल जाएगा। जरा मैं हट जाता हूँ, देख लो सब लोग अच्छे से समझ में आया। ये देखो मैंने NaOH का मोलर मास यहाँ पे सॉल्व किया आपके लिए, जो मैंने यहाँ पे पुटअप किया है, ये मेरा मास है जो यहाँ पे दिया हुआ था, ये मेरा मोलर मास जो मैंने सॉल्व किया, कैंसिल करने के बाद मुझे 0.1 मोल मिल गया। अब ये 0.1 मैं यहाँ पे पुटअप कर सकता हूँ, इजीली कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ थोड़ा सा, सब्सटीट्यूट इन फॉर्मूला नंबर 1, सब्सटीट्यूट इन फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला 1। तो जब मैं फॉर्मूला 1 में सब्सटीट्यूट करूँगा तो बोलो क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना मिला, 0.1 मिल गया। अब ये कितना मिला, 250 ml है, लेकिन 250 ml को हम क्या करेंगे, ml को लीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, चलेगा, कैंसिल होकर कितना बन गया, 0.1 / 0.25 बन जाएगा। चेक करो जरा जल्दी से, 0.1 / 0.25 क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं, चेक करो, कुछ कटना नहीं चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कुछ कट रहा है तो फिर मज़ा नहीं है इसके अंदर। मैं जरा कहीं पे कुछ कट रहा है शायद से, ये लास्ट वाला पार्ट, तो मैं सब्सटीट्यूशन यहाँ पे करता हूँ, ये रफ कर दूँ मैं, ये रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं अभी, देख लीजिए। तो जो बचा हुआ पार्ट है मैं यहीं पे करता हूँ, देख लो, सब्सटीट्यूट इन फॉर्मूला नंबर 1। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको कि जब आप फॉर्मूला नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करते हो तो आपको क्या मिलता है, तो आपको मिलता है कैपिटल एम इक्वल टू 0.1 / 250 ml था, लेकिन आपने इसको लीटर में लिया, तो ये कट के कितना हो गया, 0.1 मोल है, ये भूलना मत, और ये क्या है आपका लीटर है, जो कि 0.25 हो जाएगा, क्लियर है। इसको सॉल्व करो, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा मोल पर लीटर, ठीक है। 5 से कट कर दो, 0.4 आंसर आ गया मोल पर लीटर, या फिर कैपिटल एम इक्वल टू 0.4 कैपिटल एम, ऐसा भी आता है, मतलब मोलैरिटी इक्वल टू 0.4 एम, ऐसा भी वैलिड है। चेक कर लो जरा जल्दी से,
आंसर आ गया 0.4 m। चेक करो फटाफट एकदम, कोई चीज़ कटनी नहीं चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। कुछ भी ऐसा नहीं कि चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, देख लो मैं आगे लिख देता हूँ, चलेगा? तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा मोलारिटी इक्वल टू 0.4 m। चेक करो हर एक चीज़ क्लियर है सबको, देख लो अच्छे से, कोई भी चीज़ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को किस तरह से न्यूमेरिकल हुआ। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ पूरा न्यूमेरिकल्स। मोलारिटी का फॉर्मूला है कैपिटल एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द लीटर। ठीक है, अब मोल्स निकालने का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का होता है मास अपॉन मोलार मास। मास कितना है 4 ग्राम, मोलार मास मैंने आपको निकाल के दिखाया था NaOH का 40 होता है, कट करने पर आएगा 1/10, दैट इज 0.1 मोल आ गया। तो N कितना मिल गया, 0.1 मोल मिल गया। अब ये जो 0.1 मोल है उसको मैंने कहा सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर 1 में या फॉर्मूला नंबर 1 में, सब्स्टिट्यूट इन फॉर्मूला नंबर 1। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे क्या मिला, ये मिला, मैं एरो लगा देता हूँ, सब्स्टिट्यूट मैंने यहाँ पे किया है। तो कैपिटल एम दैट इज मोलारिटी इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाई, ये मैंने लीटर में कन्वर्ट किया है, ठीक है, डिवाइड बाय 1000 करके, तो 0.1 डिवाइड बाय 0.25 मोल अपॉन लीटर, मोल अपॉन लीटर, लेकिन मुझे पता मोलारिटी उसका एक और यूनिट हो सकता है कैपिटल एम, जो मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था। कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी कॉपी कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ यहाँ से, फटाफट इसे एंट्री कर लीजिए बुक में, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम बात करने वाले हैं, ये तो हमारा मोलारिटी था जो कि वॉल्यूम से रिलेटेड था, अब हम बात करने वाले हैं मोलालिटी जो कि मास से रिलेट करेगा, बिल्कुल सेम डेफिनेशन सेम फॉर्मूला का पैटर्न कहीं ना कहीं, बस कंटेंट थोड़ा सा अलग हो जाएगा, दिखाता हूं मैं आपको। तो कंसंट्रेशन में पॉइंट नंबर 4 और लास्ट बोल सकता हूं मैं, कॉन्सेंट्रेशन निकालने का लास्ट पैटर्न दैट इज मोलालिटी, जिसको हम कैपिटल एम से दिखाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। सॉरी, जिसे हम स्मॉल एम से दिखाते हैं, कैपिटल एम से तो हमने मोलालिटी बोला था, ठीक है, रफ करा तो ध्यान से निकल गया क्या बोल रहा हूँ। चलो बात करेंगे मोलालिटी, ठीक है, देख लीजिए, तो स्टार्ट किया जाए। तो मोलालिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, देख लीजिए फटाफट यहां तक, प्रेजेंट इन डन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बहुत से लोग रिलेट करके लिखते हैं सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है बच्चे, ये सॉल्वेंट है, मतलब यहां पे क्या होगा कि जो आपका पानी है कहीं ना कहीं उसका वजन निकालना है, मास निकालना है, और जो सॉल्यूट होगा उसको आपको नंबर ऑफ मोल्स में ही लेना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोलो जरा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा मोलालिटी दैट इज स्मॉल m इक्वल टू, ध्यान से देखो जरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इन kg। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, जरा चेक कर लो फटाफट, बहुत ही अच्छा कंटेंट है ये मोलालिटी। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ एक माइनर चेंजेस हुआ है और वो चेंजेस है मास, नहीं बच्चे, इसके अलावा एक और चेंजेस है, वहाँ पे था मोलालिटी के केस में था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं है सॉल्वेंट का मास। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ के रखना है, चलेगा? मैं हट जाता हूँ, जल्दी से अपने नोट्स में एंट्री कर लीजिए क्योंकि अब इसके न्यूमेरिकल्स की बात होने वाली है और न्यूमेरिकल जो इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार न्यूमेरिकल्स है, देखते हैं किस तरह से डील करेंगे, बहुत मज़ेदार न्यूमेरिकल। चलो इतना टाइम बहुत है आपके लिए, तो अब मैं न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ता हूँ, क्या है न्यूमेरिकल, चलो स्टार्ट करते हैं, ये रफ कर दूं मैं,
चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स आपके सामने मैं लिख रहा हूं। द डेंसिटी ऑफ थ्री कैपिटल एम, जब कैपिटल एम की बात आ गई इसका मतलब ये मोलारिटी है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, ये मोलारिटी दिया हुआ है। द डेंसिटी ऑफ थ्री एम सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। एक ml का डेंसिटी मतलब कहीं ना कहीं एक ml का जो मास रहेगा 1.25 ग्राम है, ये डेंसिटी है NaCl का, ठीक है। पूछ रहा है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन की मोलैलिटी हम कैसे निकालेंगे। बहुत ही मजेदार है, पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, जो बच्चे अपने आप से ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें जरा बोलते हैं ना दोनों पार्ट यूज करना होगा अच्छे से। देख लीजिए फटाफट, डन। चलो अब मैं एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ता हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 3m का मतलब क्या है। अगर आपने लास्ट न्यूमेरिकल को ऑब्जर्व किया होगा तो जो कैपिटल m मेरा आ रहा था लास्ट में यूनिट, ठीक है, वो कैपिटल m का हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमने मोलारिटी लिखा था, ध्यान से देखो जरा, पहले समझा रहा हूँ बच्चे, ये अभी लिखना बिल्कुल भी नहीं है, आपको समझो पहले मोलारिटी का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था। हमने लिखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, हमें इंटरेस्ट था वॉल्यूम वाले केस में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब ये मोल आया और नीचे क्या आया, लीटर आया, मतलब कि कैपिटल एम जो होता है कहीं ना कहीं वो मोल अपॉन लीटर का यूनिट लेके चलता है। इतना समझ में आएगा सबको, मतलब ये 3m का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3 मोल पर लीटर। बोलो समझ में आया, इसका मतलब समझ, मीनिंग को समझो अच्छे से, ये रफ कर दूं मैं, इतना समझ में आएगा सबको। चलो आगे एक एक करके समझेंगे, एक एक करके बढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं, जरूरत नहीं तुम्हें, ठीक है, एक एक चीज को समझते चलो कि कैसे ये सब हो रहा है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने आप में मिल गया मुझे, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे एक चीज मिल चुकी है और वो है जो मोलारिटी हमें दिया गया है यहाँ पे 3m, जो उसको हम मोलारिटी बोलते हैं, तो वो मोलारिटी हमें दिया है 3m, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब होता है 3 मोल पर लीटर। यस और नो, यस और नो, सही बात है। तो अब 3 मोल पर लीटर है, तो मेरा क्वेश्चन आपके लिए है कि 1 लीटर जो होता है बच्चे उसमें हमको कितना मास मिलता है। तो अगर मैं 1 लीटर, जरा सुन ध्यान से देखो जरा, मास ऑफ 1 लीटर जो होता है, ध्यान देना जरा, मास ऑफ 1 लीटर NaCl, जब हमारे पास NaCl 1 लीटर होता है तब उसका मास कितना होता है। तो मुझे बताओ कि 1 लीटर में कितना मोल होता है, पहले ये तो चेक करो आप, 1 लीटर में कितना मोल होता है। तो मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, N इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास, ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, ध्यान देना जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एन इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, आप बोलेंगे एन इंटू मोलार मास, सही बात है। देखो यहाँ पे 1 लीटर में कितना मोल है, 3 मोल है, तो 1 लीटर में मास कितना हुआ, तो मास ऑफ 1 लीटर जो NaCl होगा उसका वजन, उसका मास हो जाएगा हमारे लिए n इंटू मोलार मास। अब मोलार मास कितना होता है NaCl का, मैं आपको भी बता देता हूं, तो मोलार मास ऑफ NaCl जो होता है, Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, सॉल्व करेंगे तो 58.5 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 3 × 58.5। कोई कन्फ्यूजन है तो बोलना, मैं हट जाता हूँ, जरा देख लो अच्छे से, मास ऑफ 1 लीटर NaCl, मतलब 1 लीटर NaCl का जो मास होगा, जरा सॉल्व करो इसको, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, 58.5 × 3, 3 × 5 = 15, कैरी गया 1, 3 × 8 = 24 + 1, 25, 3, 15, 15 + 2, 17, 1 + 1 = 175.5 आ गया, 170,
चलेगा, इतना मास मिल गया मतलब मुझे इतना ग्राम, मुझे क्या मिला, मास ऑफ 1 लीटर NaCl मिला। आप बोलेंगे सर इसकी जरूरत क्या थी, क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है इसको इसको हमें सॉल्व करने की, बताता हूँ सब कुछ बताता हूँ मैं आपको इसकी क्या जरूरत है। चलो इसकी जरूरत पहले जरा समझते हैं कि सर आपने शुरुआत ऐसे क्यों किया अचानक से, हमें तो कुछ इसका रिलेशन नहीं दिख रहा है। चलो बच्चे तो पहले मैं आपको जरा रिलेशन भी समझा देता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि इसकी जरूरत क्या थी और क्यों इसकी जरूरत थी। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक एक करके समझो, ये रफ वर्क मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलेंगे मोलैलिटी जो होता है स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट यहाँ पे कौन है, ऑब्वियस NaCl है, ये मेरा सॉल्यूट है। अच्छा इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है, वो तो पहले से फिक्स है, देखो यहाँ पे 3m है, 3m का मतलब 3 मोल पर लीटर, तो 1 लीटर पे 3 मोल पहले से दिया, मतलब कि मोल जो है मेरे पास पहले से मिला हुआ है। चलो नीचे क्या चाहिए मुझे, जरा सोचो नीचे क्या था हमारा, नीचे हमारा फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, सॉल्वेंट में इंटरेस्ट है मुझे, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन लिखा है ऑफ NaCl इज 1.25 ml, मतलब कि जो सॉल्यूशन है उसका डेंसिटी दिया हुआ है। तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर आपको सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है, मतलब पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये बीकर है इसके अंदर पूरा सॉल्यूशन दे दिया है, तो अगर मैं कुछ भी करके अगर मैं इसमें से सॉल्यूट का मास निकाल लूँ, किसका मास निकाल लूँ, मास सॉल्यूट का मास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूट ब्रैकेट में मास लिख देता हूँ, ठीक है, सॉल्यूट का अगर मैं इसमें से मास निकाल लूँ सॉल्यूशन में से, ध्यान देना सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन किससे बना होता है मैं वो भी लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, सॉल्यूशन जो होता है एक्चुअल में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का बना हुआ है, क्लियर है। अगर मैं ये सॉल्यूट को मास निकाल लूं तो टोटल जो मेरे पास मास है, जो टोटल मेरे पास मास है उस टोटल में से सॉल्यूट को माइनस करते ही मुझे क्या मिल जाएगा, सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा जो कि मुझे चाहिए, इसीलिए मुझे मास ऑफ जो मेरा सॉल्वेंट है NaCl उसमें मुझे इंटरेस्ट है। बोलो समझ में आया पूरा पिक्चर समझ में आया सबको, सॉल्यूशन क्या कंटेन करता है, सॉलिड और सॉल्वेंट। तो अगर मैं सॉल्यूट का मास निकाल लूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाल भी लिया है, मैंने सॉल्यूट का मास निकाल लिया है, अब मुझे सिर्फ सॉल्यूशन का मास में इंटरेस्ट है। अगर सॉल्यूशन का मास मुझे मिल जाएगा तो मैं सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास क्या करूँगा, निकाल दूंगा, तो मुझे सॉल्वेंट का मास आ जाएगा जिसकी मुझे ज़रूरत है मेरे आंसर के लिए, क्लियर है। अब बताओ मेरा अगला टारगेट क्या होगा, यस अगला टारगेट होगा मेरा सॉल्यूशन का मास निकालना। आप बोलेंगे सर सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्वेश्चन पेपर में देखो, जरा क्वेश्चन में देखो आपको एक हिंट दिया है, कौन सा हिंट दिया मैं आपको बताता हूँ, डेंसिटी दिया हुआ है, देखो जरा सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, समझा रहा हूँ सब कुछ समझा रहा हूँ, एक एक चीज को समझो मजा आ जाएगा आपको, एंड में ऐसा लगेगा क्या न्यूमेरिकल लाइए, मजा आ गया एकदम न्यूमेरिकल करके। चलो दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या मिल गया, मास ऑफ 1 लीटर NaCl मिल गया, मतलब मुझे जो चाहिए था सॉल्वेंट का जो मास चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, सॉरी सॉलिड का जो मास चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, ये सॉलिड का मास है, क्लियर है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डेंसिटी कितना दिया हुआ है, सोचो जरा डेंसिटी कितना दिया है, सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना दिया हुआ है जरा चेक कर लो। तो सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है 1.25 ग्राम पर ml, 1 ml के लिए दिया हुआ है, जरा ध्यान देना कैसे करेंगे आप इसको, मैं यहां पे दिखाऊं आपको तो ज्यादा इजी रहेगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मैं पूछ रहा हूं कि मास क्या होता है, ध्यान एक एक चीज को समझेंगे मजा आ जाएगा, मास क्या होता है, आप बोलेंगे मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, क्लियर है सबको, क्लियर है। अच्छा डेंसिटी कितना दिया है, तो आप बोलेंगे डेंसिटी है 1.25 चलेगा ग्राम पर ml है, ग्राम पर ml है, लेकिन मेरे पास जो वॉल्यूम है वो कितना है, जरा चेक करो मेरे पास क्या लिखा हुआ था, कहीं पर तो लिखा हुआ नहीं, ये हम 1 लीटर के लिए निकाल रहे हैं, देखो 3 मोल पर लीटर, मतलब ये जो सॉल्यूशन मेरा वो 1 लीटर है, तो 1 लीटर का मतलब कितना हो गया 1000 ml, बोलो समझ में आया, सबको समझ में आ रहा है, तो ये ml ml कट गया, तो बताओ मेरे पास जो मास मिलेगा वो कितना मिल गया, 125000, लेकिन उसमें से 2 प्लेस पे डेसिमल, तो कितना आ गया 1250 ग्राम आ गया। ये सबको समझ में आया जो मैंने रफ में किया सबको समझ में आया, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेंसिटी जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन जो मेरा मास होता है वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी जो सोल्यूशन का है वो 1.25 दिया हुआ है पर ml, देखो 1.25 पर ml है, और जो वॉल्यूम है वो जो है बच्चे मुझे लीटर में पता है, मतलब जो भी मेरे पास जो सोल्यूशन रखा वो 1 लीटर के लिए होता है,
ठीक है, जो मोलैरिटी होती है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, जो मोलैरिटी होती है वो हमेशा 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए होती है, मतलब कि ये वॉल्यूम जो है वो फिक्स है कि 1 लीटर ही रहेगा। तो 1 लीटर आपको क्या करेंगे, ml के फॉर्म में 1000 ml लिखेंगे, ml कट गया तो बोलो कितना आ गया आपको मास, 125 ग्राम आ गया। जरा इसको मैं अच्छे से सॉल्व करके लिख लेता हूँ ताकि आपको भी एक अच्छे से पता चल जाए कि हाँ कहाँ पे, ये मैंने आपको समझाया कि कैसे आप निकालेंगे सब। ठीक है, अब आप कंफर्टेबल जोन में आ चुके हो तो अब मैं लिख सकता हूँ इजीली। देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, चलेगा? तो मुझे नया फॉर्मूला मिलेगा, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml और वॉल्यूम है मेरा 1000 ml, ml गॉट कैंसिल। तो आप बोलेंगे कि जो मास है, ठीक है, मास ऑफ, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सॉल्यूशन, कितना मिल गया मुझे 1250 ग्राम। चेक कर लो फटाफट, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मिल गया, जल्दी फटाफट समझा दो कि सॉल्यूशन का मास कितना मिल गया, 1250 ग्राम मिल गया, क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे जरा देखो, ध्यान दे रहा, ये मेरे पास सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में जो टोटल मास है सॉल्यूशन का वो है 1250 ग्राम और इसमें से 175.5 ग्राम नमक है। तो अगर मैं उसको बाहर निकाल दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, सॉल्वेंट मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। इसका मतलब कि मेरा जो अगला स्टेप्स आने वाला है वो रहेगा मेरे लिए कि मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू, तो क्या आएगा, 1250 ग्राम माइनस 175.5 ग्राम, चलेगा? इसको माइनस में यहाँ पे करता हूँ आपके लिए, 1250 175 पॉइंट, चलेगा? यहाँ पे आएगा 5, ये हो जाएगा 9, तो आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, तो आ जाएगा 7, ये 0 0, तो 74 पॉइंट, ये 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1074.5 आ गया। कोई डाउट है किसी को, मैंने माइनस आपके सामने किया, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है बोलो जरा, 1074.5 ग्राम, इतना ग्राम मुझे सॉल्वेंट मिल गया। तो क्या मैं इसको अब मेरे प्रॉपर मोलैरिटी के फॉर्मूले में डाल दूं मैं? देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखा, ये आपके लिए लिखा हुआ है, तो इसमें डाल दूं मैं सीधा, चलेगा? तो बोलो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे आपके लिए छोटा सा फॉर्मूला वापस से, मोलैरिटी दैट इज स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, चलेगा? तो बोलो स्मॉल m इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये कितना था, 3 था, ये कितना बचा आपके लिए, 1074.5 है। चेक करो, कोई डाउट है तो बोलना मुझे, कोई डाउट है तो बोलना, ये किस में आया बच्चे, मुझे ये ग्राम में आया है, और यहाँ पे क्या लिखा है, किलोग्राम, इस बात का ध्यान देना सब है, सब छोटी छोटी चीज़ें। तो क्या मैं इसको किलोग्राम में बना सकता हूँ, ऑफकोर्स बना सकता हूँ, डिवाइड बाई 1000 कर दिया मैंने, तो अब मुझे ये मिल गया किलोग्राम में, तो डिवाइड बाई 1000 करते ये क्या बन जाएगा, 3 डिवाइड बाई 1.0745 बन जाएगा, चलेगा? इतना मोल पर किलोग्राम हो गया। चेक करो, यहाँ तक मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, चेक करो कोई कन्फ्यूजन है किसी को, कहीं पर भी चीज़ें एकदम क्लियर हो रही हैं? ओके, क्लियर भी हो रही है, प्लस कट भी रही है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ इन सब चीज़ों को, ये पूरा पार्ट कट रहा है बच्चे, थोड़ा सा मुझे लग रहा है बोर्ड, चलो फिर से देख लो, यहाँ तक क्लियर है एकदम, यहाँ तक एकदम क्लियर है, क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे जरा बताओ मुझे यहाँ पे? आप बोलेंगे स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना था मेरे पास, 3, और ये कितना है, 1074.5, चलेगा? जरा देख लो, कुछ कटना नीचे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए वही है। ठीक है, इसको अब मैं क्या करूँगा, ये ग्राम में है तो इसको डिवाइड करूँगा मैं 1000 से ताकि ये किलोग्राम बन जाए, तो ये हो गया मेरे पास किलोग्राम और ये हो जाएगा मेरे पास मोल। तो अब मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिल गया 3 डिवाइड बाई 1.0745, ऊपर मिल गया मोल, नीचे आ गया किलोग्राम। अब इसको डिवाइड कर दिया तो सिंपल है, 3 डिवाइड बाई 1 के आसपास आ रहा है, मतलब चलेगा? ये 3 डिवाइड बाई 1 कितना होता है, 3 होने वाला है,
लेकिन इसको 1.074 है तो इसको जरा डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। मेरा आंसर तो 2.7 के आसपास आ रहा है, आप चेक करो आपका कितना आ रहा है। तो 2.7 मोल पर किलोग्राम मेरा आंसर इतना आ गया, दैट इज इक्वल टू 2.7 स्मॉल एम। आप उसको 2.7 स्मॉल एम भी दिखा सकते हो, चलेगा? क्लियर है बच्चे, हर एक बच्चे को क्लियर है एकदम? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल हुआ लेकिन मज़ेदार न्यूमेरिकल हुआ। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये कि अंडरस्टैंडिंग, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हमने ये सब क्यों किया। तो डेंसिटी दिया था 3 m लिखा है, मतलब ये मोलैरिटी लिखा हुआ है, मोलैरिटी का मतलब होता है मोल पर लीटर, एक लीटर में इतना मोल है। तो आपको ये बताना है कि भाई अगर एक लीटर का जो मास होता है वो कितना होगा। तो हमें तो पता है कि एक लीटर का मतलब जो 58.8 होता है, 58.5 है, वो एक कहीं ना कहीं मोल का होता है, लेकिन हमारे पास 3 मोल है तो 3 से मल्टीप्लाई करके जितना मास आएगा, जो हम लोग बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं। उसके बाद डेंसिटी के हिसाब से मैंने सॉलिड जो था मेरा, जो सॉल्यूशन था उसका मैंने मास निकाल लिया। एक बार मुझे सॉल्यूशन का मास मिल गया, सॉलिड का मास मिल गया, सब्ट्रैक्ट करके मैंने क्या किया, जो मेरे पास सॉल्वेंट है उसका मैंने मास निकाला, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया डिवाइड बाय 1000 करके, और जो फॉर्मूला था इसके अंदर वो मैंने पुटअप कर दिया। यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लिखा है मैंने, इसके अंदर पुटअप कर दिया, पुटअप किया तो इस तरह से स्मॉल एम इक्वल टू सॉल्व करते गया मैं, मुझे 2.7 मोल पर किलोग्राम या फिर 2.7 m, मतलब ये मोलैलिटी को हम स्मॉल m दिखाते हैं, जो कि यूनिट के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, चलेगा? इसे कॉपी कर लीजिए अपने नोटबुक में। फिर एक छोटा सा कंटेंट बचा हुआ है, कुछ उसमें नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, सिर्फ सुनना है आपको, ठीक है? चलो ये मैं रफ कर रहा हूँ, जो अगला कंटेंट है वो है यूज ऑफ ग्राफ, यूज ऑफ ग्राफ इन एनालिसिस। तो क्वेश्चन सबसे बड़ा यही है, क्या मैं ग्राफ का यूज भी कर सकता हूँ एनालिसिस के लिए? अगर किसी चीजों को मुझे एनालिसिस करना है तो क्या मैं ग्राफ का भी यूज कर सकता हूँ? तो आंसर होगा यस। आप ग्राफ की भी मदद ले सकते हैं किसी चीजों को एनालाइज करने के लिए, ये बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट जो बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं वो ग्राफ से ईजी हो जाते हैं, या फिर उनका रिलेशन समझना ईजी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ कि कोई बलून है आपके पास, ठीक है, और उसके ऊपर आप बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो बताओ उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वॉल्यूम जो होता है, मतलब कहीं ना कहीं जितना एरिया कवर किया उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। मतलब आपको ग्राफ के थ्रू एक अच्छा रिलेशन मिल सकता है वॉल्यूम का और प्रेशर का। कैसे रिलेशन मिलेगा, किस तरह का रिलेशन आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, कि जैसे मैंने प्रेशर बढ़ाया वैसे से वॉल्यूम क्या हो गया मेरा, कहीं ना कहीं कम हो गया, चलेगा? तो आपको इस तरह से एक रिलेशन मिल सकता है, जरा देख लो किस तरह से ग्राफ आ सकता है आपका। मैंने प्रेशर क्या किया, बढ़ाया, आपको देख लो यहाँ पे प्रेशर मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है, बोलो प्रेशर मैं बढ़ा रहा हूँ बच्चे, प्रेशर मेरा यहाँ पे था तब मेरा वॉल्यूम कहाँ पे था, यहाँ पे बहुत नज़दीक दिख रहा है आपको, जब मेरा प्रेशर यहाँ पे था बहुत ज़्यादा तब मेरा वॉल्यूम एकदम कम था, जब मेरा प्रेशर थोड़ा कम हुआ, दिख रहा है आपको, प्रेशर मैंने थोड़ा कम किया तो वॉल्यूम भी मेरा क्या बढ़ गया, दिख रहा है। तो मतलब आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा जो ये बताएगा कि जब आपका प्रेशर सबसे ज़्यादा था तब वॉल्यूम का जो नेचर है वो एकदम कम था, दिखाई दे रहा है? प्रेशर जब एकदम ज़्यादा आपने अप्लाई किया तो वॉल्यूम एकदम छोटा हो गया था। मतलब इस तरह का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं आप कहाँ से निकाल रहे हो, ग्राफ से निकाल रहे हो। तो ग्राफ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लाइक वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन हो सकता है। अगर आपको इस तरह से ग्राफ मिल रहा है तो आप क्या समझ रहे हैं इससे, आप ये समझ रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स है कहीं ना कहीं आपको जो मिल रहे हैं सब पॉइंट्स, इस पॉइंट पे आप ये बताना चाह रहे हो कि फिक्स इंटरवल ऑफ टेम्परेचर पे आपको इतना वॉल्यूम बढ़ता ही बढ़ता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपको वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, बढ़ के मिल रहा है। मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे जो भी टेम्परेचर रहे, मतलब एक ग्राफ, ये तो सिर्फ एक ग्राफ है जो रिलेशन बता रहा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का मुझे रिलेशन ये मिल रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसा आपने देखा होगा कि जब चीज़ों को हम हीट करते हैं तो एक्सपांड होती हैं, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं, ये चीज़ें हमें मिलती हैं ग्राफ से। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं वो मुझे ग्राफ से मिलते हैं। कुछ और भी ग्राफ आप अपने आप से समझ सकते हो, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में कुछ और भी आप बना सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही मिलेंगे, कहीं पर स्मूथली कर्व होगा जहाँ पर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, कहीं पर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, स्लोली आएगा, कहीं पे ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको इस तरह से मिल जाएंगे, ठीक है। रीडिंग लेते समय फिर आप इसको क्या करेंगे, बाइफर्केशन करेंगे, दो ये साइड और एक पॉइंट बीच में आ गया, इस तरह से भी ग्राफ मिल सकता है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का। तो
तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबके सब यही ग्राफ यही नेचर दिखा रहे हैं कि देर इज़ अ प्रॉपर रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो ओवरऑल मैं क्या बोलना चाहूँगा कि जो ग्राफ का यूज़ होता है एनालिसिस के लिए, यस ये इंपॉर्टेंट यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं आस्पेक्ट से इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन है ग्राफ का एनालिसिस के लिए। तो आप इसको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसमें कोई थ्योरेटिकल आंसर या ऐसा कुछ कंटेंट नहीं है, बस समझना है कि हाँ ग्राफ का यूज़ किया जाता है। चलेगा, तो ये मेरा लास्ट कंटेंट था। इसी के साथ जो मेरा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, ठीक है, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, वो यहाँ पे ख़त्म हुआ ऑफिशियली, पूरी तरह से ये चैप्टर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो जो 11th क्लास के बच्चे जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर, बहुत ही बोलते ना प्यारी खबर आपके लिए, कि ये जो चैप्टर था जो काफ़ी टाइम से चल रहा था, आज अपने 12वें लेक्चर में ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अगला लेक्चर, अगला चैप्टर, नए लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जितना हो सके उतना आप लोगों तक पहुँचाओ, ताकि जितने भी लोग इसको देखें तो उनका कहीं ना कहीं क्या हो कि थोड़ा सा बोलते हैं ना कि भला हो जाए कि ठीक है भाई, अच्छा खासा कंटेंट आपको यूट्यूब के ऊपर डाला गया है और वेल प्रिपेयर्ड लिखा के दिया गया है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बच्चा इससे वंचित रहे या फिर उसको ये चीज़ें न मिले। थैंक यू वेरी मच, एन्जॉय योर डे, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ।